वसीम सर ट्यूटोरियल का वन ऑन वन टीचिंग मेथड तो आपने सुनाई है और इस साल उनके नीट के रिजल्ट भी बहुत कुछ बताते हैं। समीर अंसारी ने नीट 2024 के एग्जाम में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिया है, जिनका नीट स्कोर 633 आया है और ऐसे कई स्टूडेंट्स ने अच्छा स्कोर किया है। वसीम सर वन ऑन वन टीचिंग मेथड में स्टूडेंट्स पे इन डेप्थ फोकस के साथ साथ उन्हें हाईएस्ट नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जाता है ताकि उनका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाए। हमारे तीनों ब्रांच में एडमिशन ओपन है, ज्यादा जानकारी के लिए आज ही कॉल करें दिए गए नंबर पर। जलगांव के अमलनेर में पैसेंजर ट्रेन पर लोगों ने किया पथराव, सोशल मीडिया पर दावा दंगे के कारण हुआ पथराव। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। शनिवार 13 जुलाई को सोशल मीडिया पर, खास करके एक्स पर, पूर्व के ट्विटर पर एक वीडियो सामने आया। ये वीडियो बाद में व्हाट्सएप पर भी काफी वायरल हुआ। महाराष्ट्र के जलगांव के अमलनेर का है। अमलनेर रेलवे लाइन पर, यहाँ पर भुसावल से नंदुरबार जाने वाली भुसावल नंदुरबार पैसेंजर ट्रेन पर लगभग 25-30 लोगों ने पथराव किया। उनके भी पीछे दूरी तक काफी भीड़ नजर आ रही है इस वीडियो में और पथराव किया जा रहा है और इस वजह से यात्रियों में भय भी फैला हुआ है। इस वीडियो को एक्स पर पोस्ट करने वालों ने और इसको फिर रिट्वीट या फिर इसी वीडियो को क्रेडिट देते हुए इस खबर को बताने वालों ने यह बताया कि धुले, जो कि यहाँ पर धुले का एक साकरी गांव है जो सीमावर्ती गांव कहलाता है जलगांव का, तो जलगांव से सटा हुआ है, तो यहाँ पर दंगा हुआ था और उसी दंगे के चलते ये पथराव किया गया है, ऐसा दावा किया गया है। दूसरी तरफ इस संबंध में रेलवे पुलिस ने इसका कॉग्निजेंस लिया है, ज्ञान लेकर के अपराध दर्ज किया है और अब इसकी जांच शुरू कर दी। अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है कि पथराव किन लोगों ने किया है, किस वजह से किया है, या जिस तरह से सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि साकरी में जो दंगा हुआ उसके कारण ये पथराव हुआ है, इसकी भी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। अरे बाप रे, दादा खाली कर, काका खाली कर, काका खाली कर, पटकन।